हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आयुष पारिक, जूलॉजी फैकल्टी। आज हम हरियाणा में हुए सीएलसी के एडमिशन स्कॉलरशिप टेस्ट का बायोलॉजी पोर्शन का जो 10th क्लास लेवल पर लगा था उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 से 40 तक हमारे सामने क्वेश्चंस हैं। उसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये बॉटनी सेक्शन का क्वेश्चन है। देखा जाए तो 28th क्वेश्चन में एक डायग्राम हमारे सामने यहाँ पे दे रखा है। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें सही करेक्ट ऑप्शंस को यहाँ पर क्लिक करना है। हम पहले डायग्राम को लेबल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो रीजंस हैं, एक हो गया सेंटर में और एक ये दो स्ट्रक्चर्स हो गए। जो सेंटर का रीजन है ये होता है गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये दो रीजंस हो गए ये होता है एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम अगर इसको लेबल करें तो जो ए स्ट्रक्चर है ये गाइनोशियम की है, जो क्लियर कट हमें किसके बारे में बता रही है कि ए हो गया हमारा ओवरी पार्ट हो गया। सी को देखें तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी गाइनोशियम के पार्ट होते हैं, तो स्टिग्मा यहां पे हमसे पूछा नहीं है, सी पूछा है, तो सी हो गया स्टाइल। उसके बाद अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें एंड्रोशियम की, तो ई हो गया हमारा एंथर, और डी देखिए स्टूडेंट्स, डी एक एसेसरी स्ट्रक्चर है जो उसको सपोर्ट करने का काम करता है, ग्रीन कलर का है, और डी हो गया सेपल। अब बचता है हमारे पास बी। बी वो स्ट्रक्चर है जहां पे ये सारी चीज रेस्ट कर रही है, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है थैलेमस, तो बी हो गया थैलेमस। तो इसी तरीके से हमने लेबल कर दिया है डायग्राम को। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ऑप्शंस को चूज करें, ए ओवरी बिल्कुल सही है, बी थैलेमस बिल्कुल सही है, सी फिलामेंट गलत हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड ओवरी बिल्कुल सही है, बी थैलेमस सही है, सी स्टाइल बिल्कुल सही है, डी सेपल सही है, ई एंथर सही है। तो 28 का सही आंसर हमें सेकेंड ऑप्शन में ही मिल चुका है। आगे चलते हैं तो फिर ओव्यूल, ओव्यूल थर्ड और फोर्थ ऑप्शन वापस से गलत हो जाते हैं। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, हमारे सामने यहां पर है क्वेश्चन नंबर 29। अगर हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, द कंडीशन व्हेन द मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स इज नोन एज। मेनस्ट्रुअल साइकिल की यहां पर बात की है स्टूडेंट्स। मेनस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होने वाले रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, जो कि जिसका पीरियड 28 डेज का होता है अप्रोक्सीमेटली। तो वो उन सभी रिप्रोडक्टिव पीरियड्स जो फीमेल में होते हैं, जिसके अंदर फॉलिकुलोजेनेसिस होता है, ओव्यूलेशन होता है, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं इन्हें मेनस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, ये साइक्लिक वे में होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और उसे क्या कहते हैं। तो आप देखिए प्यूबर्टी फर्स्ट दे रखा है, प्यूबर्टी में तो बल्कि स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी तो एक एज पीरियड हो गया जहां से मेनस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। सेकंड टर्म वापस मेनस्ट्रुएशन दे रखा है, मेनस्ट्रुएशन मेनस्ट्रुअल साइकिल का ब्लीडिंग फेज है, जो फर्स्ट इनिशियल फेज होता है जिसमें यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ब्रेक ऑफ होती है और ब्लीडिंग फेज होता है। थर्ड देखिए आप यहाँ पे मेनोपॉज, आप नाम पे जाएंगे, मेनो मीन्स मेनस्ट्रुअल साइकिल, पॉज यानी कि रुक जाना, ऐसा जब फीमेल के अंदर ये जो कंडीशन है मेनोपॉज, ये इसीलिए टर्म यूज की गई है कि मेनस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, तो इसमें भी यही पूछा है। तो 29th का जो सही आंसर हमें मिल जाता है वो थर्ड ऑप्शन में ही मिल जाता है कि मेनोपॉज इज द कंडीशन इन विच द मेनस्ट्रुअल साइकिल इज स्टॉप। फोर्थ फिर वापस गेस्टेशन, जो कि गलत हो गया, तो सही आंसर हो गया 29th का ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द हार्मोन विच इज कॉमनली टर्म्ड एज बर्थ हार्मोन एंड द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। हमें यहाँ पर उस हार्मोन के बारे में बताना है जो बर्थ हार्मोन भी कहलाता है और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहलाता है। तो एक इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो ऑक्सीटोसिन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, वो एक ऐसा हार्मोन है जो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, जिसकी वजह से मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क है वो बाहर आता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन को कॉमनली मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, और जो शुरुआती स्टेट में जो पार्चुरेशन के सिग्नल्स पैदा होते हैं और उसके बाद जो पूरी पार्चुरेशन की प्रक्रिया है जिसमें डिलीवरी होती है किसी भी चाइल्ड की, वो भी ये हार्मोन करवाता है ऑक्सीटोसिन। तो इसका कॉमन नेम भी क्या हो गया, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन और बर्थ हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन अगर हम इन चार ऑप्शन में देखते हैं तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही ऑक्सीटोसिन मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में यही पूछा है हमसे, तो इसलिए 30 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे सामने, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज मोर डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू अदर। ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट, यहां पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं
उनमें से कौन सा पार्ट बाकी के कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलप होता है। अगर अगर हम लोग ह्यूमन ब्रेन को देखें तो हम ब्रेन को स्ट्रक्चरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के जो पार्ट्स हैं सेरेब्रम और डायंसेफेलॉन, मिड ब्रेन ही कहलाता है, और हाइंड ब्रेन को हम लोग पोन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लेंगटा में ब्रेक करते हैं। तो जो सबसे डेवलप्ड पार्ट होता है वो फोर ब्रेन का सेरेब्रम होता है, क्योंकि सेरेब्रम को सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। हमारी मेमोरी और हमारी बहुत सारी चीज़ें सेरेब्रम से कंट्रोल होती है, उसमें काफ़ी एरिया होते हैं उसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो सेरेब्रम एक डेवलप्ड पार्ट है, और यही हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि ह्यूमन ब्रेन का कौन सा डेवलप्ड पार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए सेरेब्रम, तो हमें सही आंसर मिल जाता है। बाकी सेरेबेलम, ऑप्टिक लोब्स, मेडुला ऑब्लेंगटा, ये अदर पार्ट्स हैं ब्रेन के जो कि इतने डेवलप नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सेरेब्रम। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 32। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स प्राइमरली टेक्स प्लेस थ्रू, ट्रांसलोकेशन की यहाँ पर बात की गई है। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होना, और ट्रांसपोर्ट किसका पूछा जा रहा है, वाटर और मिनरल्स का। कौन सा स्ट्रक्चर है प्लांट का जो ऐसा करता है, फ्लोएम, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि फ्लोएम बेसिकली जो फूड है उसका ट्रांसलोकेशन करता है। सेकेंड नंबर पर जाइलम दे रखा है, जाइलम प्लांट का वो टिश्यू है जिसके थ्रू वाटर और वाटर में ही मिनरल्स मिक्स होकर के ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो 32 में यही हमसे पूछा है, तो हमें 32 का सही आंसर सेकंड ऑप्शन में ही मिल जाता है। आगे आप कॉर्टेक्स और पिथ देखेंगे तो ये भी नहीं होते हैं। तो 32 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जाइलम। यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 33 है, ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन के ब्रीथिंग फेज से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि इन नॉर्मल एक्सपायरेशन द डायफ्राम इज, अगर हम लोग रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन में जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग के 2 स्टेप्स होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन में हम बाहर से एयर को अपने लंग्स में लेते हैं, और एक्सपायरेशन में हम लोग लंग से बाहर एयर को निकालते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है वो होता है डायफ्राम। डायफ्राम जनरली डोम शेप होता है, और इसके ऊपर हमारी थोरासिक कैविटी होती है जिसके अंदर लंग सिचुएटेड होते हैं। तो जब भी हमें इंस्पायरेशन करना हो, वॉल्यूम यानी एयर को अपने अंदर लेना है लंग्स के, तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम के फ्लैट होने से क्या होता है स्टूडेंट, कि जो हमारी थोरासिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से उसके अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डाउन हो जाता है। अब अंदर का प्रेशर कम है, बाहर का ज़्यादा है, तो बाहर से एयर हमारे लंग्स में मूव करती है। ये इंस्पिरेशन हो गया जिसमें डायफ्राम ने अपनी शेप क्या करी, चेंज करी, वो कैसा हो गया, फ्लैट। पर यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, एक्सपायरेशन के बारे में पूछा है। एक्सपायरेशन अगर नॉर्मल देखिए तो एक ये पैसिव प्रोसेस है जिसमें डायफ्राम वापस फ्लैट शेप से वापस अपनी डोम शेप में आता है, और इसी को हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं। वापस डोम शेप में आने से क्या होता है कि जो वॉल्यूम हम लोगों ने बढ़ाया था हम उसे वापस कम कर देते हैं, प्रेशर हाई हो जाता है, बाहर कम होता है, और अंदर से एयर बाहर की तरफ मूव करती है, इसी को एक्सपायरेशन कहा गया है। तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, उसमें वापस अपनी डोम शेप में चले जाएगा, फ्लैटन तो इंस्पिरेशन में होता है, इन्वॉल्व होगा ही होगा, और परफोरेटेड यानी कि पोर्स हो ऐसा डायफ्राम में देखा नहीं जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, डोम शेप। फिर हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following is not a salivary gland? इनमें से कौन सा salivary gland नहीं है? अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 sublingual, टंग के नीचे होता है, ये बिल्कुल salivary gland है। ऑप्शन नंबर 2 lacrimal, ये एक salivary gland नहीं है। salivary gland वो जिसका काम saliva का production होता है। saliva का production lacrimal gland नहीं करता है, ये eyes में होता है। और third submaxillary, और fourth हो गया parotid। तो first option, third option और fourth option, ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड है, जो नहीं है वो कौन सा है, लैक्रिमल। और हमें क्या पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सलाइवरी ग्लैंड, तो सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 2। फिर हमारे सामने जो क्वेश्चन है 35, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, हमें मिसमैच पेयर को छांटना है, एक ऐसा पेयर जो गलत है। अगर हम देखें इधर हार्मोन्स दे रखे हैं और यहाँ पर वो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं जहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो फर्स्ट को देखें, अगर हम लोग एड्रेनलिन, एड्रेनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज बता रखा है जो कि गलत होता है। जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो एक्चुअली में किडनीज के ऊपर पाई जाने वाली एड्रिनल ग्लैंड या फिर सुप्रा रीनल ग्लैंड के
मेडुला वाले रीजन से रिलीज होता है. तो पहला ही पेयर हमारा यहाँ पर गलत हो गया, बाकी सही है. आप देख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होता है, बिल्कुल सही बात है. इस्ट्रोजन ओवरी से रिलीज होता है एंड थायरोक्सिन इज रिलीज फ्रॉम थायरॉयड ग्लैंड. तो जो गलत पेयर हो गया वो हो गया फर्स्ट, और यही हमसे पूछा है. तो सही आंसर हो गया 35 का ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 36, विच स्ट्रेटेजी इज यूज्ड फॉर इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इन सिटू कंजर्वेशन के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की जाती है? तो अब सारा गेम इस वर्ड पे है, इन सिटू. दो टाइप के कंजर्वेशन होते हैं. अगर हमें किसी भी बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो हम उसका कंजर्वेशन करते हैं. इन सिटू वो कंजर्वेशन है जहां पर जो हमारी स्पीशीज पाई जाती है, अगर हम उसके आसपास ही एक प्रोटेक्टिव एरिया बना दें और हम उसको वहीं पे कंजर्व करें तो ये कंजर्वेशन कहलाता है इन सिटू. और एक्स सिटू में हम उसको उस जगह से मूव करके किसी और प्रोटेक्टिव एरिया में लेकर के आते हैं, जैसा कि बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए किया जाता है. तो इन सिटू जहाँ पर वो पाई जा रही है वहीं पर उसे कंजर्व करना कहलाता है. तो आप देख सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि सरिस्का हो गया, ऐसे जो रिजर्व हैं जिसमें हम लोग एक प्रोटेक्टिव एरिया हम लोगों ने जंगल के आसपास बना दिया, तो ये भी एक इन सिटू का है. नेशनल पार्क भी आप लोग देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो बनाई जाती हैं वो भी वो प्रोटेक्टिव एरियाज होते हैं जिसमें जो जंगली जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए बनाई जाती है और वहीं पर ही उसको क्रिएट किया जाता है. तो ये सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों किसके हो गए एग्जांपल्स? ये तीनों इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स हो गए. तो इसलिए 36 का जो सही आंसर जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर 4th, ऑल ऑफ दीज. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 37, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज रिलेटेड टू. ये एक टर्म्स थे जो एक स्पेशल थ्योरी में दिया गया. इवोल्यूशन की यहां पर बात हो रही है एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना स्पीशीज का, और उनमें से उस स्पीशीज का सर्वाइव करना जो कि सबसे ज्यादा फिट हो और जो उस एनवायरनमेंट में एडप्ट हो पाए. ये जो स्टेटमेंट थे, एक बहुत ही फेमस थ्योरी के स्टेटमेंट्स हैं जो कि डार्विन की थ्योरी थी. डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी. उन्होंने ये कहा था कि नेचर सेलेक्ट करती है जो स्पीशीज ज्यादा फिट होगी, जो ज़्यादा बेटर अडेप्ट होगी वो स्पीशीज सर्वाइव करेगी, और जो स्पीशीज उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं हो पाई वो वहाँ से चली जाएगी, उसका वहाँ से वो स्पीशीज की पॉपुलेशन वहाँ पर डाउन हो जाएगी. तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट डार्विन की थ्योरी के हैं, और इसको पॉपुलरली हम लोग क्या कहते हैं, डार्विनिज्म कहते हैं. तो 37 का जो सही हो गया आंसर वो हो जाता है फर्स्ट, की दोनों वर्ड्स किससे रिलेटेड है, डार्विनिज्म से है. मेंडेलिनिज्म, लैगमार्किज्म एंड ओपेरियंस थ्योरी इस बारे में बात नहीं करती हैं. तो क्लियर कट सही आंसर हो जाता है 37 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डार्विनिज्म. फिर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ये एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन है. ए नॉर्मल वुमन हुज फादर हैड ए कलर ब्लाइंडनेस, अगर अब यहां पे बात हो रही है कलर ब्लाइंडनेस की, कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए, कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाना, ये जो डिजीज है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, यानी कि इसका जो जीन पाया जाता है वो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, और अपने आप को शो कब करता है, जब वो रिसेसिव कंडीशन में आता है. तो कैसी डिजीज है ये, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ये. अब यहीं पर ये बात हो रही है, हमें कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग. इसको हम जनरली स्मॉल सी से शो करते हैं. ए नॉर्मल वुमन हुज फादर हैड ए कलर ब्लाइंडनेस, कोई भी एक वुमन है, हमें अभी वुमन का जीनोटाइप यहाँ पे अभी पता नहीं है, हमें इतना पता है कि जो इसके फादर थे उनको कलर ब्लाइंडनेस थी. तो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है डिजीज वो हेमीजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो करती है और रिसेसिव कंडीशन में शो करती है. तो इस वुमन के जो फादर थे, अगर हम उन्हें देखें एक्स वाई जो कि मेल का जीनोटाइप हो गया, तो इनको कलर ब्लाइंडनेस थी. तो यहाँ पर 100% ये बात है कि स्मॉल सी पाया जाएगा. तो अगर इनकी मैरिज हो रही है यहाँ पर और वुमन नॉर्मल है, तो मदर भी यहाँ पर कैसी होगी, नॉर्मल होगी. तो ये इसके फादर का जीनोटाइप हो गया और ये इसकी मदर का जीनोटाइप हो गया. तो आप देख सकते हैं, हमें पता है कि जो भी चाइल्ड होता है उसमें एक क्रोमोसोम मदर से आता है और एक क्रोमोसोम फादर से आता है. तो अगर हम इस कंडीशन को देखें स्टूडेंट्स, तो आप देखिए वुमन है, तो
तो वुमन है तो वुमन का क्या होगा जीनोटाइप एक्स, तो उसमें से एक एक्स कहां से आएगा मदर से और एक एक्स कहां से आएगा फादर से, और फादर पे एक्स कैसा है स्मॉल सी वाला, तो इसलिए 100% चांसेस है कि फीमेल में हमें जो जीनोटाइप मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, क्योंकि जो वुमन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल है, तो नॉर्मल का मतलब कि हम उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो ये कंडीशन जो है हमारे सामने आप देखिए इस कंडीशन में एक्स ही रिसेसिव है तो अपने आप को शो नहीं करेगा, तो ये फीमेल कैरियर है ना कि डिजीज्ड है, तो ये कैरियर हो गई फीमेल, हमें ये पता चला उसके फादर के जीनोटाइप की वजह से। फीमेल कैरियर हो गई, अब इसकी शादी किससे होती है, एक नॉर्मल मेल से होती है, अगर हम इसकी मैरिज कराते हैं किसी नॉर्मल मेल से तो क्या चांसेस हैं कि बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो अब हमारे सामने दो जीनोटाइप आ चुके हैं एक्स वाई और इस फीमेल का जीनोटाइप, अगर अब हम इनकी इनका क्रॉस करवाते हैं, आप देखिए जनरली अगर हम इनका क्रॉस करवाएं एक्स वाई नॉर्मल मेल है, इसका क्रॉस अगर मैं करवाता हूँ एक्स सी से, पुनेट स्क्वायर मैंने यहाँ पर बनाया एक्स वाई एक्स एक्स सी एक्स 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 सी एक्स वाई और एक्स सी वाई, आप देखिए इन सभी कंडीशंस में से यहाँ पर कोई डिजीज नहीं होगी, इसमें केवल ये जो बेबी होगी ये कैरियर होगी गर्ल, और यहाँ पर जो मेल यानी कि जो बॉय चाइल्ड है वो भी कैसा होगा नॉर्मल होगा, तो इन चार बच्चों में से इस कंडीशन में आप देखिए मैंने आपको बताया था कि कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव कंडीशन में और हेमीजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो करती है, तो ये कंडीशन हेमीजाइगस हो गई तो ये अपने आप को क्या करेगी शो करेगी, तो इन चार बच्चों में से एक कलर ब्लाइंड होगा, तो ये कैसा हो गया कलर ब्लाइंड, और यही हमसे पूछा है परसेंटेज में हमें निकालना है, अगर टोटल बच्चे चार हैं तो चार में से एक कलर ब्लाइंड है, यानी कि क्लियर कट जो परसेंटेज आ जाती है वो आ जाती है 25% चांसेस हैं कि बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज पाई जा सकती है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25%। क्वेश्चन नंबर 39 है द गिवन फिगर शोज एन एग्जांपल, लो आप देख सकते हैं एक तरफ बोगनवेलिया दे रखा है प्लांट और एक तरफ कुकुरबिट्टा दे रखा है, इसके यहाँ पर थॉर्न को बता रखा है और यहाँ पर ये टेंड्रिल है, तो ये एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, जनरली भी देखा जाए तो इन्फॉर्मेटेंट के बेसिस पे भी देखा जाए, तो ये पूछा है कि किसको शो कर रहे हैं, देखिए ये शो कर रहे हैं होमोलोगस ऑर्गन को, क्योंकि होमोलोगस ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है और फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है, थॉर्न यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, टेंड्रिल्स वहाँ पे सपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल शो कर रहे हैं होमोलोगस ऑर्गन को। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सेकंड ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, अगर हम देखें सेकंड ऑप्शन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालॉगी में होता है, एनालॉगस ऑर्गन्स के लिए होता है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, डाइवर्जेंट का मीन्स होता है फैलना, जब दोनों चीजें सेम हो बट फंक्शंस के बेसिस पे एक ने अपना अलग से काम कर लिया एक ने कोई दूसरा काम कर दिया, मतलब दोनों के फंक्शंस क्या हो गए डिफरेंशिएट हो गए, तो एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुए थे बट फंक्शन के बेसिस पर एक इधर चला गया और एक इधर चला गया तो ये फैल गए, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं डाइवर्जेंस कहते हैं। तो ये क्लियर कट बात है कि जो होमोलॉगी होती है यानी कि जो होमोलोगस ऑरिजन्स ऑर्गन्स होते हैं उनका ओरिजिन सेम होता है फंक्शन अलग होते हैं, सेम इसी तरीके से ओरिजिन सेम है फंक्शंस अलग हैं, तो क्या करा इन्होंने डाइवर्जेंस, तो इससे जो इवोल्यूशन हुआ वो कैसा कहलाया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो सही आंसर 39 का फर्स्ट भी सही है थर्ड भी सही है सेकंड गलत है, तो 39 का जो सही आंसर हो गया वो हो गया बोथ वन एंड थर्ड होमोलोगस ऑर्गन्स एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसलिए सही आंसर हो गया 39 का ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने है स्टूडेंट्स, इन द गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स आर शोन इन ए पिरामिड, पिरामिड्स में हमें ट्रॉफिक लेवल्स यहां पे शो कर रखे हैं, एट विच ट्रॉफिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी इज अवेलेबल, हमें देखना है कि आप देखिए जो फर्स्ट नंबर पे होता है ये हो गया प्रोड्यूसर्स, इसके बाद वापस यहां पे कंज्यूमर्स आ जाते हैं, ये सभी कंज्यूमर्स हैं, देखिए जो भी एनर्जी रिसीविंग का काम करता है वो कौन करता है एनर्जी रिसीविंग का काम, हमेशा प्रोड्यूसर्स एनर्जी को क्या करते हैं रिसीव करने का काम करते हैं, तो जो मैक्सिमम एनर्जी जो मिलेगी वो किसको मिलेगी प्रोड्यूसर्स को मिलेगी, और यही हमसे पूछा गया है कि किस ट्रॉफिक लेवल पर मैक्सिमम एनर्जी
अवेलेबल होगी, तो सबसे ज़्यादा किस पे होगी, प्रोड्यूसर्स पे, फिर इसमें से आगे 10% ट्रांसफर होती जाएगी, जो कि लिंडमान का एनर्जी ट्रांसफर का नियम है। तो जो मैक्सिमम एनर्जी जिनको मिलेगी, सन से एनर्जी जो मिलेगी वो मिलती है प्रोड्यूसर्स को, और प्रोड्यूसर्स किस ट्रॉफिक लेवल पर शो किए जाते हैं, इस डायग्राम में T1 पर शो किए जाते हैं। तो T1 कहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में T1 बता रखा है, तो सही आंसर 40 का हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड बेस्ट विशेज।